आपके राज्य में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, गर्मी से आपको कब राहत मिलेगी, ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। दरअसल अगर हम बात करें दिल्ली की, हरियाणा की बात करें तो हीट वेव का कहर जारी है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नॉर्थ ईस्ट से अच्छी खबर है क्योंकि 5 राज्यों में बारिश को लेकर के रेड अलर्ट है। हालांकि दिल्ली में मानसून देरी से पहुंचेगा। बात नॉर्थ ईस्ट की कर लेते हैं क्योंकि वहां से अच्छी शुरुआत हो रही है। 5 राज्यों में बारिश को लेकर के रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगर हम बात करें बिहार की तो बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी है, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में आज हीट वेव को लेकर के रेड अलर्ट है, यानी कि आज भी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो तापमान है उत्तर प्रदेश के कई इलाकों का वो 42 से 45 डिग्री के बीच में है। IMD ने वहीं मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली और हरियाणा में भी हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार के भी कुछ हिस्सों में लू का असर देखने को मिल सकता है। तो आप देखिए कि देश के कई राज्य ऐसे हैं जो इस वक्त लू की चपेट में हैं। खासकर हम बात करें उत्तर भारत की तो यहाँ पर गर्मी हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की तो वहाँ पर बारिश को लेकर के अलर्ट है। देश के कई हिस्सों में जहाँ पर मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है उसकी अगर हम बात करें तो मानसून की उत्तरी सीमा इस वक्त नवसारी, जलगांव, अमरावती, चंद्रपुर, बीजापुर, सुकमा, मलकानगिरी, विजयनगरम और इस्लामपुर से होकर गुजर रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD के वेदर बुलेटिन के मुताबिक अगले 5 दिनों के समय अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उसके अलावा पश्चिम बंगाल में बिजली और तेज हवाओं की बात अगर हम करें उसके अलावा बड़े पैमाने पर हल्की से मध्य बारिश होने की संभावना है। और जो हवा की रफ्तार रहने वाली है वो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने वाली है। यानी कि जो हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं वहां से बारिश की शुरुआत होने वाली है। अब आप ये समझिए कि दिल्ली पहुँचते पहुँचते जून के आखिर तक या जुलाई के शुरुआत में मानसून आएगा, तब जाकर के गर्मी से राहत मिलेगी। आज भी लू चल सकती है, ऐसे में बाहर निकलना घातक हो सकता है। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी से निकलिए, खुद को कवर करके निकलिए, ये बेहद जरूरी हो जाता है। तो बारिश को लेकर के आज रेड अलर्ट जिन राज्यों में है वो मैं आपको बताती हूँ। बारिश को लेकर के असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश और बंगाल में रेड अलर्ट है। इन राज्यों में बारिश को लेकर के जो रेड अलर्ट जारी किया गया है, बल्कि इससे उलट उत्तर प्रदेश में आज हीट वेव को लेकर के रेड अलर्ट है। तो देश के कई राज्य जहां पर बारिश है, कहीं पर गर्मी है, IMD ने मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली और हरियाणा में भी हीट वेव को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यानी कि जो आसपास के इलाके हैं, सटे हुए इलाके हैं दिल्ली से, जो राज्य है वहां पर भी गर्मी कम नहीं होने वाली है। बिहार के भी कुछ हिस्सों में लू का असर देखने को मिल सकता है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में और उत्तरी मध्य प्रदेश, दक्षिणी बिहार, उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। तापमान में कमी नहीं देखने को मिली है। आप स्थिति का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जो अधिकतम तापमान है वो 42 से 45 डिग्री के बीच में है, न्यूनतम तापमान भी 32 से 35 डिग्री के बीच में है। और जो विशेषज्ञ खासकर कह रहे हैं कि रात के समय अमूमन तापमान कम देखने को मिलता है क्योंकि दिन से, लेकिन अब रातें भी गर्म हो रही है और जो न्यूनतम तापमान होता है रात के समय उसमें 5 डिग्री का इजाफा देखने को मिल रहा है। तो ये चिंता की बात है। दिल्ली वालों को गर्मी से तो कुछ राहत नहीं मिलने वाली है। 19 से 22 जून के समय हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और इसके अलावा अगर हम बात करें 19 से 20 जून तक यानी कि आज से लेकर के कल तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बिजली और तेज हवाओं के साथ छुटपुट हल्की बारिश होने की संभावना है। आज तो रेड अलर्ट है, यानी कि आज हीट वेव का रेड अलर्ट है, आज तो राहत नहीं मिलेगी। कल से मौसम में कुछ बदलाव हो सकता है, पर बड़ी बात यह है कि विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भले ही मौसम में बदलाव हो, अगर हल्की बूंदाबांदी हो भी जाए तो तापमान में गिरावट नहीं होगी, तापमान उतना ही रहेगा। और IMD ने कहा है कि अगले 5 दिनों के समय गंगी, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ छिटपिट यहाँ पर बारिश हो सकती है। और उड़ीसा की बात करें, बिहार की बात करें तो कुछ अलग अलग इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। बिहार में बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी है। IMD के मुताबिक कोंकण और गोवा, इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में 20 से 21 जून को भारी बारिश होने की संभावना है। यानी कि आप ये समझिए कि अभी का जो वेदर फोरकास्ट है इसमें इस हफ्ते की हम बात कर लें क्योंकि आज बुधवार हो चुका है, रविवार तक जो तापमान है वो 42 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में रहेगा, उसमें कोई गिरावट दर्ज नहीं की जाएगी। और जो रात का तापमान है वो भी न्यूनतम से 5 डिग्री ज़्यादा होगा, जो होता है अभी तक तापमान उसमें भी इजाफा देखने को मिल सकता है। तो ये जो मौसम में बदलाव है ये चिंता की बात भी है। और मानसून जो कि सबसे पहले केरल में आता है, दिल्ली पहुँचने तक देरी हो जाती है। हालाँकि IMD ये भी कह रहा है कि जुलाई मध्य भी हो सकता है, पर अगर हल्की बूंदाबांदी होती है तो भी
तापमान में कोई यहाँ पर कमी देखने को नहीं मिलेगी। वहीं नॉर्थ ईस्ट से अच्छी खबर है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में इस वक्त बारिश होने की संभावना है और वहाँ पर बारिश होगी अगर हम नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की बात करें। लेकिन हम देखें क्योंकि गर्मी हर साल नए रिकॉर्ड बना रही है। कल राजस्थान में सबसे गर्म दिन रहा क्योंकि वहाँ पर जो तापमान रहा लगभग 45 डिग्री रहा। इस बार हमने देखा कि तापमान 50 डिग्री से ऊपर भी चला गया और कई राज्यों में गर्मी से लोगों की मौत भी हुई है और मौतों का आंकड़ा गर्मी को लेकर के लगातार बढ़ रहा है। लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, हीट स्ट्रोक की वजह से लोग बेहोश हो रहे हैं और डॉक्टर से कह रहे हैं कि ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। यानी कि गर्मी में बाहर निकलना, हीट स्ट्रोक के कारण आपका बेहोश होना और फिर अस्पताल तक पहुंच जाना, यानी कि आपको बहुत सावधानी से यहाँ पर निकलना होगा, खान पान का विशेष ख्याल रखना होगा और अपने आप को कवर करके निकलना होगा जब तक ये हीट वेव रहती है, जब तक इतना तापमान रहता है।